हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन, माय सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो कॉलेज है वो जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। माइनॉरिटीज आप समझ गए होंगे कि जो जैन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे ज्यादा सीट्स हैं, 50% ऑफ सीट्स उन्हीं की सिर्फ यहाँ पे रिजर्व रहती है, बाकी अदर जो कास्ट है उनकी सिर्फ 50% टोटली है, सिर्फ जैन माइनॉरिटी कॉलेज है ये, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। कहाँ पे लोकेटेड है? सोनीपत पे लोकेटेड है। आईपीयू का कॉलेज है, आईपीयू से एफिलेटेड ये कॉलेज है, तो ढेर सारी फैसिलिटीज है इसके अंदर भी। काफी अच्छा अप्रोचेबल कॉलेज है, इंजीनियरिंग के लिए काफी अच्छा है। तो कैसे एडमिशन हो सकता है, कैसे डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो ढेर सारी चीजें हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कट ऑफ भी बताऊंगा, तो एंड तक देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफी पॉपुलर एंड काफी पुराना कॉलेज है। 1999 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। 12 एकड़ का इसका पूरा कैंपस एरिया है। अगर बात करूं लोकेशन की तो रायपुर रोड सेक्टर 10 सोनीपत हरियाणा में ये लोकेटेड है। एंड इसके अलावा तो और भी ढेर सारी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको अवेलेबल है, जैसे कोर्सेज यूजी पीजी दोनों ही अवेलेबल है। एंट्रेंस और जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से सबमिट कर सकते हैं। अगर बात करूं एफिलिएशन की तो GGSIPU न्यू दिल्ली से ये एफिलिएटेड है, AICTE से अप्रूव्ड है। अगर इसके कुछ की पॉइंट्स बताऊं तो एक ग्रेड विद GGSIPU एंड 8000 प्लस एलुमनी का नेटवर्क है और टोटल सीट 390 यहाँ पे अवेलेबल है। एंड सबसे जरूरी, ये एक जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। जैन माइनॉरिटी से मतलब होता है कि ये इसकी जो सीट है टोटल 390, उसमें से 50% ऑफ सीट जैन कम्युनिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ओनली मतलब रिजर्व्ड है, बाकी की 50% सभी के लिए है, ठीक है। तो जैन माइनॉरिटी का मतलब ये हो जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से एक्सेप्टेड है, तो IPUCAT और JEE मेन का जो एग्जाम है वो एक्सेप्टेड है, उनके थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है इंजीनियरिंग में। इसके अलावा आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, वो हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन, गेट एडमिशन के थ्रू। अब ये क्यों होता है, क्योंकि देखो सबसे मतलब जो JEE मेन IPUCAT है उसमें इतनी रैंक नहीं आई होती आपकी जाके आपका एडमिशन हो पाए। तो सिंपल सा स्टेप है, डायरेक्ट एडमिशन अगर आपको चाहिए तो गेट एडमिशन आपको करा के देगा। कैसे के देगा, क्या प्रोसेस है, वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं बीटेक के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बीटेक का जो आपका 4 साल की ड्यूरेशन वाला एक कोर्स है, प्लस टू में आपके PCM में 55% से वो मार्क्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। JEE मेन और IPUCAT के एग्जाम के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। फीस की अगर बात करूँ तो 1,40,000 पर ईयर आपकी ये ट्यूशन फीस है। इसके अलावा आपको एडमिशन फीस और यहाँ पे मिसलेनियस चार्जेस होंगे, सब कुछ वो अवेलेबल मतलब इंक्लूडिंग है, ओके। अब आगे बढ़ते हुए हॉस्टल के बारे में बात करूँ, हॉस्टल की फीस अलग है, हॉस्टल अवेलेबल है। एंड आगे बढ़ के अगर हम इनकी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो स्पेशलाइजेशन के साथ साथ कितनी सीट्स यहाँ पे टोटल अवेलेबल है स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में आपकी टोटल 30 सीट्स अवेलेबल है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें आपकी टोटल 30 सीट्स अवेलेबल है। एंड कंप्यूटर साइंस में आपकी टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है। तो ये सारी तो हो गई इनकी स्पेशलाइजेशन और पूरा स्ट्रक्चर की बातें, कैसे इनका पूरा प्रॉपर प्रोसेस है एडमिशन का। लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है डायरेक्ट एडमिशन, क्योंकि जो IPUCAT है और JEE मेन है उसमें आपका एडमिशन नहीं हो पाता, आपकी जो रैंक है वो नहीं आई हुई होती है। तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा गेट एडमिशन के थ्रू। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ, अपनी फेवरेट स्ट्रीम और अपनी फेवरेट कॉलेज डिस्कस कर सकते हैं। उसमें आपका एडमिशन कराने में गेट एडमिशन पूरी हेल्प करेगा, तो आई होप आप कॉल जरूर करेंगे। एंड गेट एडमिशन इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है, जैसे फ्री करियर काउंसलिंग, स्कॉलरशिप एंड लोन की फैसिलिटीज अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं तो उसके लिए। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही है, तो कॉल जरूर करें गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लेसमेंट सेल के बारे में। तो प्लेसमेंट के मामले में ये कॉलेज भी काफी अच्छा है। 20 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज अभी तक का गया है, 5 लाख एवरेज पैकेज इनका माना जाता है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो 25-30 कंपनीज ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुकी है मतलब प्लेसमेंट ड्राइव को लेके। तो ये इनकी कुछ स्ट्रक्चर है प्लेसमेंट का। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो IPU के मोस्टली कॉलेजेस में आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जरूर मिलती है। आपका जो मतलब जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो रिफंड हो जाता है बाद में वापस, 100% तो स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आपने 12th में आपने जो मतलब IPUCAT है, JEE मेन है, या फिर आप अकेडमिक्स में अच्छा खासा स्कोर करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आपको जरूर मिलती है। इसी के साथ साथ प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स एंड सक्षम स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। एंड अब्रॉड स्कॉलरशिप भी यहाँ पे एक अलग मतलब स्कीम है, और इसी के साथ साथ और भी ढेर सारी स्कीम है जो आती रहती है हर साल, नए नए तरीके मतलब नई नई स्कीम्स आती रहती है स्कॉलरशिप की, जो इस कॉलेज का प्लस पॉइंट है बेसिकली, आप ये समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, लश ग्रीन एनवायरनमेंट वाला कैंपस है, 12 एकड़ में फैला हुआ है।
मैंने आपको बताया, ठीक है यहाँ पे आपको लैब्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर लैब्स मिल जाएंगे, लेबोरेटरीज बड़ी बड़ी जो मतलब इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़रूरी वही होता है, ओके। एंड इसके अलावा आपको ऑडिटोरियम मिल जाएगा, यहाँ पे लाइब्रेरी मिल जाएगी, कैंटीन मिल जाएगा, वाईफाई इनेबल कैंपस है, एसी क्लासरूम्स है, बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाएगी एंड हाईली नॉलेजेबल फैकल्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्टल की यहाँ पे टोटल फीस कितनी है। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए 47,500 पर ईयर आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है हॉस्टल की, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं आपकी टोटली सारा इस कॉलेज का रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। आप गेट एडमिशन को जरूर कॉल करें अपने एडमिशन के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।